लोकसभा चुनाव 2024 का अंतिम व सातवें चरण की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तमाम पार्टियों के नेता व प्रत्याशी जन समर्थन जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए हैं। उसी कड़ी में सहतवार चेयरमैन नीरज सिंह गुड्डू को समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने 71 लोकसभा सपा प्रत्याशी रामा शंकर राजभर के प्रचार प्रसार के लिए उनकी मजबूती के लिए कार्यकर्ता मीटिंग रखी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रेक्षक सुबलेंद्र व बीरपाल जी पहुंचे हुए थे। आपको बता दें, मंच से नीरज सिंह गुड्डू और पास में मौजूद प्रेक्षकों ने पहले तो अपने 71 लोकसभा प्रत्याशी रामा शंकर राजभर को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं को जी तोड़ मेहनत करने को कहा और बरिया में आज पूर्व सीएम अखिलेश यादव की जनसभा कार्यक्रम में भारी से भारी संख्या में पहुंचने की अपील की। उधर कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को सत्ता में लाने के लिए 71 लोकसभा प्रत्याशी रामा शंकर राजभर के हाथों को मजबूत करने का आश्वासन दिया।
पार्टी कार्यकर्ताओं को किस तरह का मूल मंत्र दिए जो लोकसभा चुनाव में आपका फतह रहेगा? बलिया आपका दौरा है, पूर्वांचल की नब्ज टटोलने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब की बार हम इन्हें नहीं दे रहे हैं, अब की पब्लिक चुनाव लड़ा रहे हैं। नेता पीछे हैं, पब्लिक आगे है। क्यों? वो मोदी जी के झूठे वादे दो बार सुन चुकी है पब्लिक, अब उनके झांसे में आने वाली नहीं है। भारी बेरोजगारी, भारी भ्रष्टाचार और भारी महंगाई को झेल के जनता परेशान हो गई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि इंडिया गठबंधन के बाद कोई भी पीएम का चेहरा नहीं है। पीएम का चेहरा हमारा बन जाएगा, हमारी रणनीति है, हमने अभी नहीं खोला है नाम, सब तय है पीएम का चेहरा। जब हमारे सांसद जीत के आएंगे तो पीएम भी बन जाए। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारे यहाँ सांसद पीएम को चुनते हैं, पार्टियाँ नहीं चुनती। जो सांसद चुनेंगे वो प्रधानमंत्री। चुनाव आयोग का जो परसेंटेज बढ़ के आया है, जो रिकॉर्ड देना चाहिए 24 घंटे के अंदर, वो रिकॉर्ड नहीं दे पाई, 11 दिन दे पाई और वो भी 2% बढ़ गया, क्या आपको लगता है कि बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, कि सही मामला क्या है, क्या लगता है आपको चुनाव आयोग पर संदेहात्मक? एक दिन हो सकता है कि रिपोर्ट आने में देरी हो, अब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक जमाना है। मैं नहीं समझता कि 8 दिन लगेंगे सारा डाटा आने में और 1 करोड़ से ऊपर वोट बढ़ा दिए। ये बिल्कुल चुनाव आयोग संदेह के घेरे में है, इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। पूर्वांचल में जिस तरह से अखिलेश यादव जी के रैली में भगदड़ हो जा रही है, विपक्ष के नेताओं का दावा है कि ये गुंडे की पार्टी है, गुंडे आकर भगदड़ कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्यों भगदड़ हो जा रही है? वो गुंडे नहीं कर रहे हैं, सत्ता जो ये जो बनाए हैं इन्होंने, अग्निवीर, तो ये अग्निवीर इतने गुस्से में है, वो लोग अपनी बात कहने के लिए जब आगे आते हैं तो उन्हें पुलिस रोकती है तो उन्हें और गुस्सा आ जाता है। बड़ी मुश्किल से वो लोग शांत होते हैं, अब सबसे बात हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। आज क्या फैसला लिया गया है यहाँ पे? यहाँ पर तो वोटिंग करेंगे, कल माननीय अखिलेश जी आ रहे हैं, वहाँ सब लोग उनको सुनने के लिए जाएंगे और पहली तारीख को साइकिल वाला बटन दबाएंगे, खटाखट खटाखट। आज बैरी आए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यूपी में इंडिया गठबंधन का पूरी तरह से सफाया हो रहा है, एक भी सीट नहीं निकलेगी। मुख्यमंत्री ने जी, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे चुनाव के बाद में, तो अरविंद केजरीवाल का बयान नहीं सुना, यही नहीं रखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जाना है, उन्होंने बहुत अंडमंड बदल लिया है। यूपी साख न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।